नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप लोग का। दोस्तों आज के वीडियो में आज जो जड़ी बूटी दिखाएंगे बहुत ही बेहतरीन औषधि है, बहुत ही बेहतरीन पौधा है, बहुत ही दिव्य और बहुत ही ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। इसके अनेक औषधि गुण और अनेक इसके फायदे मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बस मेरा मनोबल बढ़ जाता है, मेरा मोटिवेशन होता है, जिसकी वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको हम जड़ी बूटी दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, यह जड़ी बूटी हर जगह मिलता है, चाहे खेत हो, खलियान हो, बगीचे हो, चाहे आप शहर में रह रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो, यह पौधा आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। जड़ी बूटी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है दोस्तों। इसको देख लीजिए, आपके घर के आसपास ही आसानी से मिल जाएगा, आप जहाँ रहते हैं ना उसी के आसपास, या तो दोस्तों गांव घर में रहते हैं तो खेत के मेड़ के बगल में मिल जाएगा, या शहर में रहते हैं तो रोड के किनारे मिल जाएगा, कहीं भी यह पौधा अपने आप उगने वाला है। और दोस्तों यह नमी वाले क्षेत्र, जहाँ भी थोड़ा सा नमी होगा ना, यह अपने आप स्वतः है ये पौधा उगने वाला है। यह पौधा बिल्कुल नेचुरल पौधा है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, बिल्कुल निरापद पौधा होता है यह। तो ये जो जड़ी बूटी होते हैं ना, इससे नुकसान कम होता है, फ़ायदा कई गुना ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को बीमारी हो जाता है तो लाखों और करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं मेडिसिन खा खा करके दोस्तों, जिससे फ़ायदा भी होता है लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्रकृति का दिया हुआ एक तरह से यह जड़ी बूटी है, आप इसका प्रयोग करें और अपने आप को भी स्वस्थ रखें, प्रकृति को भी स्वस्थ रखें, हर चीज़ इससे नेचुरल है। आज आधुनिक समय आ गया है, लोग मेडिसिन पे जी खा रहे हैं और उससे अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो हमारे जड़ी बूटी है ना, आज से नहीं हज़ारों साल से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अगर आपको मार्केट में भी अवेलेबल है तो लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इस पर भरोसा लोग को नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज के समय में, आज से नहीं हज़ारों साल से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं लोग, इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों फिर से वही समय आएगा, एक टाइम आएगा जो लोग जड़ी बूटी का प्रयोग करके बहुत सारी बीमारी को दूर करेगा, क्योंकि मेडिसिन कुछ समय के लिए फ़ायदेमंद होता है लेकिन दोस्तों बाद में यह नुकसान भी करता है। इसलिए दोस्तों मैं चैनल के एक ही मकसद है कि आप लोग जड़ी बूटी का प्रयोग करें, जो कि हमारे घर के आसपास ही मिलता है, आप इसका प्रयोग करके बहुत सारी बीमारी से आप दूर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से। जड़ी बूटी के सही जानकारी नहीं होने के कारण इसे लोग घास फूस समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही दिव्य और औषधि होते हैं, जो प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारी को दूर चुटकियों में कर सकते हैं। और दोस्तों आज हम जो फ़ायदा बताएंगे, आप इस फायदे को जान करके दंग रह जाएंगे। तो यह जड़ी बूटी जो होते हैं ना, बहुत ही चमत्कारी होते हैं, और जो इसको नहीं पता है वो नहीं इसका प्रयोग कर पाते हैं। हम लोग इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, जिस जानते हैं इसके, प्रैक्टिकली जानते हैं कि इसका कितना फ़ायदा है, और इसी के जानकारी के आधार पे आपसे मैं शेयर करता हूं इस वीडियो में, आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ध्यान से सुने। तो हमारे गांव देहात में, आज भी गांव देहात में इसका लोग भाजी बना करके, सब्जी बना करके इसका प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसको ऐसे भी तोड़ के अगर खाएँगे ना तो हल्का खट्टापन होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। लोग बहुत जगह इसको सलाद बना करके, जूस निकाल करके भी सेवन करते हैं। दोस्तों ये पौधा बहुत ही नाजुक होता है, हाथ में तोड़ेंगे जल्दी से टूट जाता है, और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप भाजी बना करके, जैसे मैंने बताया, उस टाइप से खा सकते हैं। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल होते हैं, और ये ज़मीन पर फैलने वाला पौधा होता है। इस पौधे को हमारे क्षेत्र में नूनी, उल्फा और नुन्नी, और इस कई नामों से जाने जाते हैं। आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। दोस्तों आप इसके बारे में अगर जानते हैं, आप कौन कौन से प्रयोग में लाते हैं, कौन कौन सी बीमारी को दूर करने में, अगर आपके पास जानकारी है तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएँ, ताकि मेरे द्वारा, आपके द्वारा किसी और को, तीसरे आदमी को जानकारी मिले और इसका फ़ायदा ले सके। तो इस वीडियो में मुझे जितना जानकारी है, जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज है, वो आपसे मैं शेयर करूंगा एक एक करके, आप ध्यान से सुनिएगा।
बहुत ही कमाल की जानकारी है दोस्तों, आपके हजारों रुपया का खर्च होने से बचा सकता है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल नेचुरल है और घर के आसपास आसानी से यह मिल भी जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी जानकारी, आधी अधूरी जानकारी आपके काम का नहीं रहता है और उससे फ़ायदा भी नहीं हो पाता है, इसलिए पूरा ज़रूर देखें। पहले मैं बता दूं इसका प्रयोग करने से क्या क्या लाभ होता है। आप अगर इसको सब्जी के रूप में, भाजी के रूप में या जूस निकाल करके इसका प्रयोग करते हैं तो क्या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आमाशय की, जितनी भी समस्याएं हैं उसको यह जड़ से खत्म कर देता है कुछ दिन सेवन करने की मात्र से। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर आमाशय की या पेट की कोई भी समस्या दूर हो जाए तो दोस्तों कितनी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अगर दोस्तों कोई बीमारी हो भी गई है तो वो धीरे धीरे इसका सेवन करने मात्र से समस्त बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। सेवन करते हैं दोस्तों सबसे तेज और बिल्कुल नेचुरल ढंग से बीमारी को दूर करता है। कब्ज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर किसी को कब्ज हो जाता है तो उससे कई सारी बीमारी पैदा हो जाते हैं। पेट में एसिडिटी की समस्या, पेट में दर्द की, इन्फेक्शन की बहुत सारी समस्या पैदा हो जाता है। साथ साथ दोस्तों अगर जिस व्यक्ति को कब्ज रहता है उसको शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जिसको कब्ज हमेशा रहता है ना, उसको शीघ्र पतन की समस्या होता है, धातु का पतलापन हो जाता है, कमजोरी आ जाता है। तो उसको सही करने के लिए क्या क्या दवाई खा करके अपना सेहत और ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो कि हर कोई किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, दोस्त तक, अपने दोस्त तक उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। शीघ्र पतन की समस्या, धातु की समस्या, दोस्तों जिसे एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या होती है ना, उनको भी यह जरूर खाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, इसका भाजी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऐसे धुल करके कच्चा खा सकते हैं या फिर इसका जूस निकाल करके सेवन कर सकते हैं। कई तरीके हैं, आप इसका किसी भी तरीके से प्रयोग करें, फ़ायदा आपको उतना ही मिलेगा। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन जो होता है ना भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, सारे विटामिन्स, खनिज लवण इसमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो सारे सारे तत्व इसमें विद्यमान होता है। आप इसका प्रयोग करें, आप इसका लाभ उठाएं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कि दोस्तों अगर खाद्य पदार्थ में हम सोचते हैं जैसे दूध को सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं, उसी तरह वनस्पति में, जड़ी पौधे में इस कुल्फा घास का इम्पोर्टेंट है। पावरफुल और सर्वगुण संपन्न यह औषधि माना जाता है आयुर्वेद में। मोटापे की कमी को यह दूर करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बूढ़े हड्डी में बहुत अच्छा लाभ में होता है, बूढ़े आदमी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कि मैंने बताया विटामिन सी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर में जैसे त्वचा रोग हो जाता है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस, फोड़े, फुंसी, बाकी जितने भी त्वचा रोग होते हैं, वह विटामिन सी अगर आपको शरीर में है तो वो जल्दी उसको नहीं होने देता है। दोस्तों यह संक्रमण से बचाव करता है और शरीर को हमेशा सुरक्षित रखता है। त्वचा में चमक लाता है, झुर्रियाँ होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उसको भी यह मिटाता है और शरीर को सुंदर बनाता है। इसमें B12 विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि पाचन संबंधी सारी कमियों को यह पूरा करता है, आपका लीवर को मजबूत बनाता है। खाने में अगर सही खाना नहीं पचता है उसको यह सही करता है। मैंने पहले ही बताया जैसे मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है, कमजोरी से बचाता है। यहाँ तक दोस्तों अगर जोड़ों में दर्द हो रहा हो, गठिया का शिकायत हो, साइटिका का शिकायत हो, उसको भी यह सही करता है। दांतों को स्वस्थ बनाता है, मसूड़े को स्वस्थ बनाता है। अगर दांतों से ब्लड आ रहा है या दांत सड़ने की समस्या है या दांतों में कोई तरह की दिक्कत आ रहा है, उसको भी यह सही करता है। और दोस्तों इसमें विटामिन ए और आयरन जैसी इसमें मौजूद होते हैं, भरपूर मात्रा में होते हैं, कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड जो है ना, उसको यह RBC को यह बढ़ाता है, रेड ब्लड सर्कुलर को यह सही करता है और बढ़ाता भी है और इसको कंट्रोल रखता है।
उल्फा घास का अगर नियमित सेवन किया जाए तो बवासीर, जैसे कि खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर, दोनों में बहुत बेहतरीन अच्छा काम करता है। तो अगले फायदे की बात करें, हार्ट, जी हाँ दोस्तों, हार्ट जो अटैक बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाता है, अचानक धड़कन बढ़ जाता है जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्या हो जाती है। तो दोस्तों यह बहुत अधिक मात्रा में लोग देखा जाता है बहुत सारे, क्योंकि दोस्तों यहाँ आज के समय में टेंशन के वजह से, पोल्यूशन के वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो कि बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको आराम मिलता है, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से आपको बचाता है। ओके, खान पान आज के समय जंक फूड और बाहर का खाना खाने से या पोल्यूशन के वजह से, तनाव के वजह से बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या होती बढ़ती जाती जा रही है आज के समय में। तो दोस्तों आप इसका सेवन करें, बहुत अच्छा आपको रिलैक्स मिलेगा और बहुत हार्ट अटैक जैसी बीमारी से आपको छुटकारा भी मिलेगा। इस घास अगर ये जड़ी बूटी आप खाते हैं तो दोस्तों आपके जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हो जाता है ना, उसको नियंत्रित रखता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों से आपको बचाता भी है। ऐसे तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो क्या करते हैं, हमारे नसों को जो ना जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। रिसर्च हो रहा है, कई रिसर्च से ये भी पता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी नुकसान कर जाता है कभी कभी। दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल हो या बैड कोलेस्ट्रॉल हो, दोनों को नियंत्रित रहे तो ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो फिर नुकसान हो, गुड हो तब पर भी नुकसान होता है और बैड हो तो तब पर भी नुकसान हो जाता है। आप इसका रोज़ाना अगर सेवन करते हैं तो सर में चक्कर आता है या फिर आँखों के लेके समस्या होता है, आँखों में जलन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसको भी यह सही करता है। तो बार बार चक्कर आने की समस्या होता है ना, तो आप इसे भाजी के रूप में कम से कम 50 ग्राम की मात्रा में रोज़ाना इसका सेवन करें, उससे आपको जो बार बार चक्कर आता है, सर में दर्द होता है, उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलता है। तो इसका रस निकाल करके 50 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करें, उससे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घास को ले आएँ और उसका अच्छे से धुल करके इसका पीस करके रस निकाल लें, जी हाँ, रस निकाल करके 50 ग्राम की मात्रा में, और 50 ग्राम मात्रा उसमें पानी मिला करके सेवन करते हैं। मूत्र संबंधी कोई भी विकार हो, जैसे मूत्र में जलन, सूजन, इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का समस्या या बार बार मूत्र जाने की समस्या होता है, रुक रुक के आता है, दर्द होता है, सारे समस्याओं का यह जड़ से ख़त्म कर देता है। उल्फा घास का जो है ना, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई इसका प्रयोग कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, या तो जूस बना करके कर लें, भाजी बना के कर लें, या इसका सलाद बना करके कर लें, या ऐसे ही धुल करके खा लें, किसी भी तरीके से करेंगे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा उल्फा घास का। के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों उस बच्चे को आप क्या करें, इसका रस निकाल करके एक चम्मच की मात्रा में, एक चम्मच इसमें पानी मिला करके बच्चे को सेवन कराएं। दोस्तों बच्चे का अगर जो ग्रोथ रुक गया है ना, विकास रुक गया है, उसको बहुत अच्छे से उसको ये कवर करता है, शरीर में कमजोरी को दूर करता है, बच्चे की ग्रोथ करता है। दोस्तों ये बिल्कुल नेचुरल है, आज के समय में कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे, यहाँ तक बच्चे की मम्मी जो होते हैं ना, उस पर वो भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो वो भी इसका सेवन करें, दोनों बच्चा और मम्मी दोनों के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर कर रहे हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है दोस्तों, आप भी किसी और को शेयर करें, या शेयर नहीं कर सकते तो उसको, अगर आपके पास यह मेरी वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको पता है तो आप किसी और को भी बताएं, ताकि उसका भी भला हो जाए। और दोस्तों यह बिल्कुल नेचुरल है, हमारे घर के आसपास मिलता है, एक रुपया खर्च नहीं होना है। तो उल्फा घास का प्रयोग करें, अगर बच्चे करते हैं या उसके मम्मी करते हैं तो दोस्तों दोनों का पूरा होता है, बहुत अच्छा है, कुपोषण का शिकार नहीं होगा, उसके शरीर में जो भी कमी होगा, विटामिन्स की कमी होगा या कुछ कमी होगा, उसको यह पूरा करता है। आज हमने बताया उल्फा घास के बहुत फायदे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक करना, फिर मिलते हैं एक नई